तो हेलो एवरीवन टुडे आई विल टीच यू कोर्स ऑफ यूपीबीटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर आई विल टीच यू अबाउट द इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज़ एन एशियन ह्यूमन एक्टिविटी ये एशियन पुरानी एक्टिविटी है जिसको जनरली हम लोग बनाते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं हाउसेस का बिल्डिंग्स का ताकि उसमें हम शेल्टर ले सकें रह सकें और किसी को कोई परेशानी ना हो तो ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनती हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती हैं तो ह्यूमन् इसको यूज़ करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वाज बिगैन फ्रॉम द पीरियड ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन का पुराने ज़माने के जो लोग थे पहले हमारे एनसेस्टर्स थे वो सब पहले केव्स में गुफा में सब में रहते थे लेकिन फिर धीमे धीमे उन्होंने शेल्टर अपना बनाया परमानेंट शेल्टर बनाया पहले वुडन शेल्टर बनाया रॉक्स की हेल्प से शेल्टर बनाया मैन और उसके बाद फिर धीमे धीमे उसको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से हम लोगों ने मॉडर्न एरा में डेवलप किया ताकि हम लोगों को हवा पानी और जो धूप है बरसात धूप है इन सब से हम लोग को सुरक्षा मिल सके तो इंसान के अंदर मतलब ये सारी चीज़ें हमेशा से इवॉल्व आईं कि उसने अपना सबसे पहले अर्थ पे आने के बाद उसने अपना शेल्टर बनाया कई सारी बिल्डिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द उनको बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो हम लोग उसे समझ सकेंगे जैसे कि बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी आपके सामने क्लासिफिकेशन दिया गया है जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग जैसे घर हैं नॉर्मल तो है तो ग्रुप हाउसिंग स्कीम्स के हाउसेज हैं तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आ गए या फिर मल्टी तो building. स्टोरी बिल्डिंग्स हैं एंड ऑल तो दैट आर ऑल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग कुछ बिल्डिंग्स आती हैं हजारडस बिल्डिंग्स जहाँ पे जैसे केमिकल फैक्ट्री है तो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह रखे हुए हैं तो वो आपकी हजार बिल्डिंग में आ गई फिर आता है स्टोरेज बिल्डिंग्स स्टोरेज बिल्डिंग्स हमारी जो वेयर हाउसेज़ हैं गोदाम हैं और रेलवे के गोदाम होते हैं और जहाँ पे गेहूँ और चावल वगैरह का स्टोरेज किया जाता है या कोई कोल्ड स्टोरेज या हॉट स्टोरेज दैट इज़ ऑल ओवर कॉल्ड एज अ स्टोरेज बिल्डिंग फिर आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जहाँ से इंडस्ट्री डेवलप होती है इंडस्ट्री है वहाँ हैवी मशीनरी यूज़ हो रही है बराबर किसी चीज़ का प्रोडक्शन चल रहा है तो वो आपकी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी विल बी क्लासीफाइड इंटू इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स दैन मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स और बिजनेस बिल्डिंग्स मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स मर्चेंट जहाँ बैठते हैं बिज़नेस जहाँ से होता है दैट आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमर्शियल बेस्ड बिल्डिंग जहाँ दुकानें होती हैं अलग अलग तरह की तो वो भी एक मल्टी स्टोरी फॉर्म में बनाया जा सकता है और सिंगल बेस्ड दुकानें भी होती हैं फिर आता है हमारा असेंबली बिल्डिंग्स असेंबली जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स वगैरह आते हैं बैठते हैं जैसे कि आपका सिनेमा हॉल हो गया या फिर कोई और अगर किसी भी तरह का असेंबली है किसी भी तरह का आपका आयोजन हो रहा है सरकार के द्वारा तो वो सब हमारी असेंबली बिल्डिंग्स में आ जाती हैं फिर है एजुकेशनल बिल्डिंग्स एजुकेशनल बिल्डिंग्स जो हमारे स्कूल्स हो गए प्राइमरी स्कूल्स वो सारे एजुकेशनल बिल्डिंग्स में आ जाते हैं फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जैसे बड़े कॉलेजे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजे हैं मेडिकल कॉलेजेस हैं दैट आर ऑल कैटेगराइज इन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स फर्दर आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में लिखा है कि अपार्टमेंट्स हो गए लॉजिंग्स हो गए रेस्टोरेंट्स हो गए होटल्स हो गए डॉर्मेट्रीज़ हो गए दीज आर ऑल क्लासिफाइड अंडर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फिर हमारा आता है एजुकेशनल बिल्डिंग्स एजुकेशनल बिल्डिंग्स हमारे स्कूल्स ये छोटे कॉलेजेस उसके बेसिस पे एजुकेशनल बिल्डिंग है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल हैं मेडिकल्स हैं वहाँ पे पढ़ाई भी होती है और हॉस्पिटल्स का भी पेशेंट्स वगैरह भी उसमें ठीक किए जाते हैं जेल्स हैं हैं सैनिटोरियम्स हैं दीज़ आर ऑल कम अंडर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स दैन फर्दर इट असेंबली बिल्डिंग्स असेंबली बिल्डिंग लार्ज गैदरिंग है सोशल रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल या फिर किसी तरह का सिनेमा हॉल है हाउसेज हैं रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े तो दैट आर कॉल्ड असम्बली बिल्डिंग्स मॉल्स हैं नेक्स्ट क्लासीफिकेशन इज़ बिजनस बिल्डिंग दिस बिल्डिंग्स आर यूज फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस बिजनेस मतलब आपका मर्चेंट टाइल के हिसाब से ही हो गया वहाँ पर ट्रेडिशनल वे में आपकी ख़रीदारी हो रही है तो इस तरह की दुकानें जहाँ पर डेवलप किए जाती हैं वो मल्टी लेवल दुकानें भी हो सकती हैं सिंगल लेन दुकानें भी हो सकती हैं दैट आर कॉल्ड बिजनेस बिल्डिंग्स फिर है मर्चेंटाइल बिल्डिंग मर्चेंटाइल जहाँ होल सेल का काम होता है एक होल सेल होता है एक रिटेलर होता है तो रिटेलर शॉप्स जनरली बिजनेस बिल्डिंग्स में आ जाती हैं और होल सेल की जो शॉप्स हैं वो आपकी मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स में आ जाती हैं है, है, जैसे ऑफिसेज़ हैं बैंक्स हैं दैट आर ऑल मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जैसे जहाँ पे कहीं मैनुफैक्चरिंग हो रही है कोई फैब्रिकेशन हो रहा है कोई असेंबलिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की तो दैट तो वो मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल पार्ट में भी हो सकती है किसी केमिकल इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है या किसी सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी किया जा सकता है तो इस तरह की जहाँ बड़ी मैनुफैक्चरिंग हो रही है दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स फर्दर स्टोरेज बिल्डिंग्स जैसे कि जहाँ मर्चेंट अपना गुड्स वगैरह रखते हैं वेयर हाउसेज़ हैं व्हीकल्स हैं एनिमल्स वगैरह खड़े रहते हैं तो दैट आर ऑल कॉल्ड कैटेगराइज अंदर स्टोरेज बिल्डिंग फर्दर इज़ हजार्डस बिल्डिंग हजार्डस बिल्डिंग यहाँ पे कम्बस्टेबल एक्सप्लोजिवस हैं जैसे ऑयल वगैरह स्टोरेज किया जाता है केमिकल्स स्टोरेज किए जाते हैं तो दैट जहाँ पे केमिकल्स स्टोरेज किए जाते हैं वहाँ पे टेस्टिंग चलती रहती है साइंटिफिक टेस्टिंग है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं हजार बिल्डिंग्स में फिर हम लोग देखेंगे कि लोड कितने तरह के लोड्स हैं जो बिल्डिंग्स में आते हैं तो कुछ डेड लोड्स आते हैं हमारे जो जैसे कि बीम है कॉलम है स्लैब है दैट आर ऑल डेड लोड्स इन अ बिल्डिंग डेड लोड हमारा पहले सुपर स्ट्रक्चर में आता है फिर उसके बाद सब स्ट्रक्चर में आता है और फिर सॉयल में चला जाता है लाइव लोड्स जैसे कि हमारे फर्नीचर हैं या फिर हम लोग हैं हम लोग जाते हैं तो किसी कमरे में हम लोग स्टेबल खड़े नहीं रहते हैं या फर्नीचर है तो आज इस कमरे में रखा है तो कल दूसरे कमरे में रखा रहेगा तो दैट आर ऑल लाइव लोड्स ये समय के साथ चेंज होते रहते हैं ये कभी मान लीजिए किसी कमरे में है किसी बीम में इसका लोड है नेक्स्ट उसका लोड हो सकता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होकर दूसरी जगह पे चला जाए फिर विंड लोड है विंड हम सभी को पता है विंड हमारी बहती है साठ किलोमीटर प्रति घंटा तीस किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा भी कोस्टल एरिया में विंड की रफ्तार होती है तो उसके बेसिस पे भी हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तो विंड जो है हमारा एक्सटर्नल लोड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देता है बाकी डेड लोड और लाइव लोड जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लोड हमारा खींचता है नीचे की तरफ सोयल की तरफ जाता है फिर रेन लोड है कई जगह जैसे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इंडिया में कई जगह पर रेन का लोड आता है रेन बहुत तेज बरसती है तो उसकी वजह से भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रभाव पड़ता है लोडिंग हमारी बढ़ती है कहीं वाटर लॉगिंग हो गई मान लीजिए छत में तो उससे भी हमारा जो लोड है वो बढ़ जाता है फिर है स्नो लोडिंग स्नो लोडिंग जैसे हिमाचल प्रदेश कश्मीर या फिर आप उत्तराखंड के किसी भी सिटीज़ में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्नो लोडिंग मिलेगी बर्फबारी होती रहती है स्नो कई महीनों तक स्नो रहती है बर्फ़ रहती है उसके बाद गल के वो नीचे आ जाती है तो उसके बेसिस पे भी हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं और ऐसे स्नो लोड्स की वैल्यू को आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड से हम लोग कंसिडर करते हैं फिर हमारा लेटरल लोडिंग की वजह से अर्थक्वेक जो कि हम सेसमिक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग अर्थक् लोड को भी कंसिडर करते हैं और डेड लोड जनरली हमारा जो जैसे बीम बनी है कॉलम बना है या वॉल है तो उसका डेड लोड हमारा सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में आता है और सब स्ट्रक्चर से नीचे सॉयल में चला जाता है तो ये हमारा परमानेंट रहता है ये कोई चेंज नहीं होता इसका और इसका प्रभाव हमेशा सॉयल हमेशा समय के हिसाब से झेलती रहती है हर बिल्डिंग की अपनी एज होती है एज के अकॉर्डिंग वो चलता है सीमेंट है कॉन्क्रीट है तो ये सब समय के साथ वो ख़राब भी होती रहती है तो जनरली हमारा लोड जो जाता है नीचे की तरफ वो सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर से सॉयल में चला जाता है तो डिफरेंट तरह के हमारे डेड लोड्स हैं जो कि आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड में दिए हैं जैसे ब्रिक मसिनरी वॉल है दस सेंटीमीटर की तो उसका डेड लोड आपका वन नाइनटी टू के जी पर मीटर क्यूब होगा रूफ है गैल्बनाइज आयरन शीट की ही पॉइंट फाइव जीरो एम एम थिक उसका हमारा लोड पाँच के जी पर मीटर क्यूब है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट है जिसमें सरिया नहीं है एनफोर्समेंट नहीं है तो उसका तेईस सौ के जी पर मीटर क्यूब उब आर सी सी है सीमेंट आर मतलब रैनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट आर सी सी मीन्स कि स्टील के साथ हम लोग कॉन्क्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मॉडर्न एरा में हो रहा है इसका हम लोग यूनिट वेट 2400 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं फिर ब्रिक्स का यूनिट वेट 1600 से 1920 केजी पर मीटर क्यूब लाइम स्टोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में उसका 2400 से 2640 केजी पर मीटर क्यूब सैंड स्टोन्स बाईस से चौबीस सौ पर मीटर क्यूब टिबर है लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है दरवाजे बनते हैं खिड़कियाँ बनती हैं तो ये सब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं साढ़े छः सौ के जी पर मीटर क्यूब फिर स्टील आती है स्टील का कंस्ट्रक्शन किया जाता है स्टील स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं सिविल इंजीनियर्स पढ़ते हैं तो उसका यूनिट वेट सेवन एट फाइव जीरो के जी पर मीटर क्यूब फिर सैंड जो हम लोग की होती है फाइन सैंड या फिर कोर सैंड मोरम या फिर बालू इसका भी हम लोग दो हज़ार के आसपास इसका यूनिट वेट कंसिडर करते हैं सीमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिफ्टी बैग सीमेंट फिफ्टी के जी हमारा जो एक बैग सीमेंट का वेट होता है तो उसका भी यूनिट वेट हमारा 1400 40 केजी पर मीटर क्यूब फिर वाटर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाटर का सभी को पता है एक हज़ार के पर मीटर क्यूब और सीमेंट प्लास्टर जो हम लोग करते हैं इंटरनल वॉल में 12 एम mm, एक्सटर्नल वॉल में 14 से 15 एम mm, तो उसका बावन के पर मीटर स्क्वायर में हम लोग उसका लोड कंसिडर करते हैं तो इतने तरह के डेड लोड्स हमारे हो गए फिर लाइव लोड जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि आपका जो चेयर्स हैं कुर्सी हैं फर्नीचर हैं या फिर हम लोग हैं जो हम लोग आते हैं किसी कमरे में फिर वहाँ से चले जाते हैं या कोई फर्नीचर किसी कमरे में रखा है तो दैट इज़ नॉट द परमानेंट प्लेस फॉर दैट फर्नीचर वी कैन शिफ्ट दैट फर्नीचर तो उसकी लोडिंग हमारी लाइव लोड में कंसिडर होती है लाइव लोड कई सारे बिल्डिंग्स में ए, जैसे कई फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो वो अलग अलग रिडक्शन होता जाता है जैसे एक फ्लोर है तो उसमें ज़ीरो परसेंट हम लोग लाइव लोड कंसिडर करते हैं दो फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसमें हम लोग दस परसेंट रिड्यूस कर देते हैं जो भी लाइव लोड ले रहे हैं हम लोग उसको दस परसेंट रिड्यूस कर देंगे फिर थ्री फ्लोर की बिल्डिंग है टू ट्वेंटी परसेंट रिड्यूस कर देंगे फ्लो फोर फ्लोर की बिल्डिंग है तो थर्टी परसेंट फाइव टू टेन फ्लोर है तो फोर्टी परसेंट हम लोग लाइव लोड रिड्यूस कर देंगे और अगर दस माले से ऊपर की बिल्डिंग है तो उसमें हम लोग जो भी लाइव लोड कंसिडर कर रहे हैं उसकी हम पचास परसेंट रिडक्शन कंसिडर करेंगे डिजाइनिंग में विंड लोड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विंड लोड आपका जो है एक्सटर्नल प्रेशर है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है तो विंड लोड क्या है जनरली हाइट पे लगता है जैसे कि हम लोग जब मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन करते हैं या हाई स्क्रैपर्स कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे बुर्ज खलीफा दुबई तो वहाँ पे विंड लोड का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बुर्ज खलीफा आप सभी को पता है आठ सौ के आसपास है तो वहाँ पर विंड लोड बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो विंड लोड का भी हिसाब लिया जाता है कंस्ट्रक्शन में और डिज़ाइनिंग में फिर आता है स्नो लोड स्नो लोड हमारा जो है बर्फबारी वाले इलाकों में जैसे ईस्टर्न कंट्रीज़ चले जाएँ आपकी तो वहाँ पे स्नो लोड कंसिडर किया जाता है यूरोप है इंग्लैंड है इंडिया में भी आपका नॉर्दर्न इंडिया में हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है और जम्मू एंड कश्मीर है तो वहाँ पे स्नो लोड कंसिडर किया जाता है क्योंकि स्नो बराबर कई महीने तक गिरती रहती है और उसका लोड भी बराबर बिल्डिंग में आता है अर्थ को एक लोड्स अर्थ को रेजिस्टेंट डिजाइनिंग हम लोग करते हैं अर्थ को लोड भी हमारा सिस्मिक लोडिंग के उसमें आता है ये कभी कभी एक्ट करता है इसीलिए हम लोग नीचे से प्लिंथ बीम से अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो भी हाउस है या फिर बिल्डिंग है उसको प्लिंथ बीम से हम लोग नीचे जोड़ देते हैं ताकि जब भी हमारा जो अर्थ है वो अगर वो शेक करे या वाइब्रेट करे तो इक्वल सेटलमेंट हो जाए इसकी कारण हम लोग अर्थ को फोर्सेज के जो भी यूनिट्स हैं उसको कंसिडर करते हैं डिजाइनिंग में कुछ कॉमन तरह की बिल्डिंग्स है, हैं कॉमन कॉम्पोनेंट्स हैं बिल्डिंग्स के उसको आइए देख लेते हैं बेसिक बिल्डिंग कॉम्पोनेट्स हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो गया और सब स्ट्रक्चर हो गया अभी मैं इसका नाम भी ले रहा था तो सुपर स्ट्रक्चर जो है जो सॉयल लेवल से ऊपर का स्ट्रक्चर है बिल्डिंग में दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या है जो सॉयल लेवल से नीचे है सुपर स्ट्रक्चर में हमारा प्लिंथ आ जाता है प्लिंथ बीम नीचे की तरफ लगाई जाती है सब स्ट्रक्चर के बाद उसके बाद हम लोग सुपर स्ट्रक्चर का कंटिन्यू करते हैं ऊपर दीवारें बनाते हैं और कॉलम्स ढालते हैं फर्दर हम देख सकते हैं इसमें प्लिथ बीम हो गया वॉल्स एंड कॉलम्स हो गया बीम्स हो गया आर्चेस हमारे जो गोल कंस्ट्रक्शन होते हैं पुराने आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो वहाँ पे आर्चेज़ का इस्तेमाल किया गया फिर रूफ्स हैं स्लैब्स हैं तो ये सब हमारे सुपर स्ट्रक्चर हो गए फिर है लिंटल जो हम लोग ओपनिंग पे लगाते हैं आर्चेज भी जनरली हम लोग ओपनिंग पे लगाते हैं ताकि हम ऊपर से आया हुआ लोड को ईज़िली बाइफरकेट कर पाए अगल बगल छज्जा है हम लोग विंडो के बाहर छज्जा देते हैं और छत के ऊपर हम लोग तीन फिट की पैरापेट वॉल देते हैं आफ्टर स्लैब उसके बाद स्टेप्स हैं या फिर स्टेयर केस तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स हमारे सुपर स्ट्रक्चर में आ गए और सब स्ट्रक्चर में जनरली हमारा जो बेसमेंट होता है सॉयल लेवल के नीचे या फिर बेसमेंट नहीं है तो हमारी फाउंडेशन है फाउंडेशन जनरली हम लोग नीव को कहते हैं फुटिंग कहते हैं दैट आर कॉल अंडर सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन क्या है फाउंडेशन जनरली हमारी जो नीचे की नींव होती है जिसके ऊपर पूरा लोड आता है और फाउंडेशन से लोड चला जाता है सोहेल के अंदर तो फाउंडेशन भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग बनाएंगे कि कंपाइंड फुटिंग बनाएंगे उसके बेसिस पे और भी क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा तो फाउंडेशन जनरली हमारा बियर करता है सारा लोड ऊपर से जितना भी वॉल का लोड्स आ रहा है कॉलम्स का लोड्स आ रहा है बीम्स का लोड्स आ रहा है और स्लैब का लोड आ रहा है तो वो सारा फाउंडेशन में ही जाता है और फाउंडेशन से नीचे सोहल में चला जाता है कुछ जनरल तरह की फाउंडेशन हैं जैसे शैलो फाउंडेशन मतलब ज़्यादा गहरी नहीं है ये चार से पाँच फिट नीचे जाती है डीप फाउंडेशन पचास फिट तक नीचे जाता है इसमें पाइल फाउंडेशन किया जाता है पाइल फाउंडेशन जहाँ पे सॉयल की बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है लोड झेलने की क्षमता अच्छी नहीं है पियर फाउंडेशन हम लोग ब्रिजेस में करते हैं और वेल एंड केजन फाउंडेशन भी हम लोग ब्रिजेस में करते हैं और शैलो फुटिंग में हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें स्प्रेड फुटिंग आती है जनरली हम लोग घरों में स्प्रेड फुटिंग बनाते हैं फिर उसके अलावा स्ट्रैप फुटिंग है कम्बाइंड फुटिंग है मैट फुटिंग है कम्बाइंड मतलब जोड़ देते हैं मैट मतलब चटाई की तरह एक स्लैब बना लेते हैं उसके नीचे फिर हम लोग फाउंडेशंस को जोड़ देते हैं तो स्प्रेड फुटिंग हमारी वॉल्स के लिए बनती हैं जनरली और कॉलम्स के लिए बनती हैं और कम्बाइंड फुटिंग हमारी हम लोग देख सकते हैं साइड पर तो दो तरह की दिखेंगे हमें रेक्टेंगुलर और ट्रैपिज तो कॉलम्स में हम लोग सिंगल कॉलम फुटिंग भी बनाते हैं स्टेप्ड कॉलम फुटिंग भी बनाते हैं और स्लोप्ड कॉलम फुटिंग भी बनाते हैं और वॉल्स में हम लोग सिंपल वॉल फुटिंग बना सकते हैं स्टेप्ड फुटिंग बना सकते हैं और ग्रिलज फुटिंग भी बनाते हैं ग्रिलेज जनरली हम लोग हैवी मशीनरी है तो वहाँ पे जो फाउंडेशन का हम लोग बनाएंगे वो सीसी की नहीं बनाएंगे वो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बनाएंगे इसीलिए हम लोग ने नाम उसको ग्रिलेज फाउंडेशन दिया तो सुपर स्ट्रक्चर में हमारा प्लिंथ हो गया प्लिंथ जनरली हमारी प्लिंथ की हाइट पच्चीस पैंतालीस सेंटीमीटर साठ सेंटीमीटर पचहत्तर नब्बे या फिर एक सेंटीमीटर के आसपास होती है प्लिंथ हमारा एक पार्ट होता है जब जहाँ पर हमारा सब स्ट्रक्चर खत्म होता है उसके ऊपर हम लोग प्लिंथ बीम बनाते हैं प्लिंथ बीम बनाने के बाद ही सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग वॉल्स खड़ी करते हैं वॉल्स हमारी जनरली दो तरह से बनाई जा सकती हैं एक ब्रिक मसनरी है और दूसरी स्टोन मसनरी है भाई ईंटों की मदद से हम लोग दीवार बना सकते हैं या फिर स्टोन्स की मदद से दीवार बना सकते हैं ईंटों की मदद से बनाएंगे तो उसमें हम लोग को मसाला का इस्तेमाल करना पड़ेगा मोर्टार का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस्टोन्स भी जनरली मोटर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं कभी कभी नेचुरल जो भी बॉन्डिंग है स्टोन्स में उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है जो कि हम लोग दूसरी तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे कॉलम्स हैं कॉलम्स हमारे वर्टिकल मेम्बर्स होते हैं जिनके ऊपर बीम से लोडिंग नीचे की तरफ आती है फ्लोर सभी को पता है जिस फ्लोर पर हम लोग खड़े हैं वो टाइल फ्लोर हो सकती है मोरम फ्लोर हो सकती है या फिर मार्बल फिनिश फ्लोर हो सकती है रूफ़ जो है हमारी स्लैब इसकी थिकनेस 10-12 या फिर 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है रूफ़ ये हम लोग जनरली आर सी सी कंस्ट्रक्शन से या फिर रेनफोर्स ब्रिक कंस्ट्रक्शन से हम लोग बनाते हैं फिर आता है हमारा डोर्स एंड विंडोज़ सभी के घरों में डोर्स एंड विंडोज़ हैं उनका भी अपना एक, एक स्पेसिफिकेशन होता है डोर की हाइट होती है विंडो की हाइट होती है डोर की हाइट सात से आठ फिट के आसपास और विंडोज़ हम लोग जनरली अपनी सहूलियत के हिसाब से जितनी भी ओपनिंग देना चाहें उसके हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं फिर स्टेप्स हैं स्टेप्स में हम लोग राइजर और ट्रेड्स राइजर्स जो हमारे चढ़ने के लिए मदद करते हैं और ट्रेड जो हम लोग को पैर रखने के लिए मदद करते हैं तो ये दो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है राइजर्स एंड ट्रेड्स जो कि हमारी स्टेयर केस में इस्तेमाल किया जाता है जनरली फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग विथ ऑफ स्टेयर इज़ वन मीटर टू वन पॉइंट टू मीटर और नंबर ऑफ़ राइजर्स जो हैं हमारे टोटल हाइट ऑफ फ्लोर अपॉन हाइट ऑफ राइजर्स के हिसाब से निकाले जाते हैं और ट्रेड जो है नंबर ऑफ राइजर्स जो भी हम निकालेंगे उसमें माइनस वन कर देंगे तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी निकल आते हैं फिर हमारी बीम्स हैं देखिए बीम्स जनरली 20 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर 45 cm और 60 की थिकनेस की बीम्स जनरली बनाई जाती हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होती हैं ये सारी बीम्स और इसमें क्या होता है स्लैब से लोड बीम में आता है बीम से लोड कॉलम में जाता है कॉलम से लोड फाउंडेशन में जाता है फाउंडेशन से सॉयल में जाता है इस तरह से लिंटल एंड आर्चेस हैं लिंटल हमारे जो ओपनिंग छोटी बीम्स होती हैं जो कि विंडो की ओपनिंग से ऊपर लगाई जाती हैं या फिर डोर्स की ओपनिंग्स के ऊपर लगाई जाती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर आप देख सकते हैं दैट दैट इज़ कॉल्ड आर्चेज़ ये हमारा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छा माना जाता था इसलिए राजपूताना कल्चर में इसको बहुत इस्तेमाल किया गया आप आज भी आर्चेज़ का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग्स अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको आर्चेज मिले फिर है छज्जा छज्जा हम लोग जनरली प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि रेन वाटर अंदर ना आए छज्जा अगर कोई आउटर डोर है तो वहाँ पे भी छज्जा प्रोवाइड किया जा सकता है अगर कोई आउटर विंडो है तो वहाँ पे भी छज्जा प्रोवाइड किया जा सकता है छज्जा जनरली टेपर्ड होता है शुरुआत में जहाँ से वॉल शुरू होती है वहाँ से वो 100 एम mm एम के आसपास होता है आगे जाके वो पतला हो जाता है पिचत्तर एम एम के आसपास और इसका प्रोजेक्शन इसकी थिकनेस जो जनरली 30 है जनरली तीस है पैंतालीस है साठ है पिचत्तर नब्बे सेंटीमीटर के आसपास हम लोग रखते हैं पैरापेट क्या है पैरापेट जनरली हमारी जब ऊपर की रूफ़ बन जाती है स्लैब बन जाती है उसके बाद जो भी हम लोग एक वॉल कंस्ट्रक्शन करते हैं जो जनरली तीन फिट एक मीटर या 1.2 मीटर के आसपास की होती है जिस पर खड़े होकर के हम लोग बाहर झांकते हैं तो वो हमारी पैरापेट वॉल हुई इस तरह से एक कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग का एक जनरल फिगर है आपके सामने आप देख सकते हैं तो नीचे सबसे हो गई फाउंडेशन कंक्रीट फिर आपकी फाउंडेशन फिलिंग होती है ये ब्रिक मशीनरी से भी यूज कर सकते हैं और स्टोन मशीनरी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये लाइन आपकी देखिए ये ग्राउंड लेवल को विभाजित कर रही नीचे है नीचे आपकी सॉयल है और ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर तो नीचे का जो सॉयल के नीचे का स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड सब स्ट्रक्चर और सॉइल से ऊपर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर तो ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग प्लिंथ बीम बनाते हैं प्लिंथ के बाद हम लोग डी बनाते हैं डी 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है डैम प्रूफ कोर्स डैम प्रूफ कोर्स क्या है नीचे की सीलन जो सॉयल से नीचे की सीलन कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर आ जाती है उसको रोकने के लिए हम लोग डी प्रोवाइड करते हैं डी एक लेयर होती है जिसके जो हम लोग रबर की इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो हम लोग सीसी कंक्रीट में ही सीसी कंक्रीट या फिर प्लास्टर मोर्टार में ही हम लोग ले सकते हैं कोई वाटर प्रूफिंग कंपाउंड उसको मिक्स करके हम लोग 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस की हम लोग एक लेयर बिछा सकते हैं तो प्लिंथ के बाद हमारा डोर आ गया डोर ओपनिंग के बाद हमारा लिंटल आ गया लिंटल एक छोटी बीम होती है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था उसके अलावा उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रिक मसिनरी ब्रिक की दीवार खड़ी की फिर रूफ स्लैब आ गई रूफ़ स्लैब के बाद वेदरिंग कोर्स जो रूफ स्लैब के आप ऊपर बनाएंगे चाहे वो ब्रिक कोबा हो सकता है टाइल्स हो सकते हैं या फिर आपके मार्बल्स का भी इस्तेमाल हो सकता है अगर ये सब नहीं इस्तेमाल करना है ओपन टू एयर है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है तो वहाँ पर आप कोर्स एंड का मसाला लगा के सीमेंट का नीट फिनिश भी दे सकते हैं उसके बाद आपकी वन पॉइंट मीटर या वन मीटर की पैरापेट वॉल आ गई यहाँ नीचे आप देख सकते हैं फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है क्योंकि प्लिंथ बीम हमारी बनती है उसी बेसिस पे हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं फिर ब्रेक बैलास डालते हैं उसके ऊपर हम लोग सीसी की कंक्रीट बिछाते हैं सीमेंट कंक्रीट उसके ऊपर हम लोग फ्लोर फिनिश में हम लोग मार्बल टाइल्स या फिर मोरम का इसमें तो मसाला लगा करके सीमेंट की नीट फिनिश प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये सारा कॉम्पोनेंट्स हो गए एक पर्टिकुलर बिल्डिंग्स के तो बिल्डिंग कॉम्पोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस तो फाउंडेशन क्या है पूरा लोड झेलता है सुपर स्ट्रक्चर का प्लिंथ क्या है प्लिंथ हमारा जो है रेन वाटर जनरली जो हमारे घरों के बाहर पानी बरसता है पानी बहता है वाटर लॉगिंग होती है उसको अंदर नहीं आने देता है प्लिंथ बीम होती है जो कि डैम्पनेस और मॉइस्चर को भी दूर रखता है वॉल्स हमारी जनरली पार्टीशन वॉल्स होती हैं आजकल जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो उस पर लोडिंग नहीं वॉल्स में आ रही है लेकिन नाइनटीन से पहले जो भी कंस्ट्रक्शन होता था आरबी कंस्ट्रक्शंस होता था तो उसमें वॉल्स के ऊपर काफ़ी लोडिंग रहती थी लेकिन अभी वॉल जो हैं पार्टीशन वॉल्स इस्तेमाल हो रही हैं और अगर नए कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो शेयर वॉल्स भी इस्तेमाल हो रही हैं शेयर वॉल्स मतलब आपकी जिनमें ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया सीमेंट कॉन्क्रीट की वो वॉल्स बनाए गए फिर कॉलम्स हैं कॉलम्स लोड बियर करते हैं बीम्स बीम का और कॉलम नीचे प्रोवाइड करते हैं लोड सब सॉयल या सब, सब फाउंडेशन को फिर है सेल सेल जनरली आपका एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि विंडो के नीचे प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो विंडो की ओपनिंग का जो भी विंडो में हम लोग लगा रहे हैं चाहे वो टिम्बर लगा रहे हैं चाहे वो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कास्ट आयरन का हम लोग फ्रेम लगा रहे हैं तो उसका लोड वो आसानी से सिल झेल सके फिर आता है हमारा डोर्स डोर्स जो हैं जनरली हम लोग एक्सेसिबिलिटी के लिए लगाते हैं और उससे हमारी प्राइवेसी भी बनी रहती है विंडो भी हम लोग जनरली वेंटिलेशन के लिए या फिर बाहर से हवा अंदर आ सके और हम लोग आराम से साइड सीन भी कर सकें वेंटिलेटर भी हमारे नेचुरल हवा को अंदर लाते हैं और गर्म हवा को बाहर की तरफ ले जाते हैं रूफ है स्लैब है ये हमें एक तरह का शेल्टर प्रोवाइड करता है और बीम हमारे जो हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं जो कि स्लैब का लोड बीम में आता है बीम का लोड कॉलम में आता है कॉलम से फाउंडेशन में जाता है फाउंडेशन से सोयल में जाता है फिर है आपका लिंटल डिस्कस किया गया था लिंटल हमारी जनरली जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर हम लोग लिंटल प्रोवाइड करते हैं चाहे वो विंडो की ओपनिंग हो चाहे डोर की ओपनिंग हो ताकि जो स्लैब का लोड आ रहा है वो डायरेक्टली विंडो के पे ना पड़े या फिर डोर पे ना पड़े क्योंकि या तो हम लोग टिम्बर इस्तेमाल करते हैं या फिर स्टील का फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से लोडिंग हमारी ना इफ़ेक्ट हो और उस पर ना लोडिंग आए डायरेक्टली इसलिए हम लोग लिंटल प्रोवाइड करते हैं तो लिंटल क्या करता है ऊपर का लोड झेल करके नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है स्टेयर्स हैं स्टेयर्स हम लोग जनरली एक्सेसिबिलिटी के लिए एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर में जाने के लिए फ्लोर्स जो हैं हमारी जो ज़मीन है उसमें हम लोग मार्बल इस्तेमाल करते हैं फ्लोर टाइल्स इस्तेमाल करते हैं नहीं तो कोर्स एंड मसाले का भी फ्लोर हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीमेंट की नीट फिनिश के बाद उसके बाद वाटर शेड और छज्जा छज्जा हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि बाहर का पानी अंदर की तरफ ना आए फिर वॉल पैरापेडवाल वॉल हमारी स्लैब के ऊपर होती है ताकि हम लोग वहाँ स्लैब हमारी जो है प्रॉपर रहे हम लोग रूफ में आराम से आ जा सकें बाहर झांक सकें टहल सकें और उसमें कोई एक्सीडेंट होने की संभावना ना हो कुछ नॉमिनल ड हैं ठीक है फाउंडेशन में शैलो फाउंडेशन की डेप्थ जो है ट्वाइस थिकनेस प्लस थर्टी के आसपास होनी चाहिए एम mm एम में फिर विथ्थ जो है हमारी टू टी प्लस थर्टी होनी चाहिए टी क्या है वॉल थिकनेस और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है हमारी दस से तीस मीटर के आसपास की होनी चाहिए तो ये हमारी फाउंडेशन की आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड के हिसाब से नॉमिनेशनस हैं कि जो भी हम लोग मिनिमम साइज़ और मिनिमम थिकनेस और मिनिमम विथ्थ हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्लेन तो जो है हाइट अबव ग्राउंड होना चाहिए एक बीम प्रोवाइड करते हैं प्लेन बीम जो कि थर्टी पैंतालीस साठ पचहत्तर और नाइन्टी सेंटीमीटर के आसपास हो हो सकती है वॉल हमारी कुछ लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं जिनकी थिकनेस बीस तीस चालीस सेंटीमीटर है और कुछ पार्टीशन वॉल की थिकनेस हमारी जो जिनमें लोड नहीं आता है बीच की कमरे की दिवाले होती हैं आउटर वॉलें नहीं होती हैं वो हमारी 10 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। फिर columns हैं फिर कॉलम्स हैं कॉलम्स हम लोग स्क्वायर बनाते हैं स्क्वायर का साइज़ 20 क्रॉस 20 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर बनाते हैं कॉलम्स उनका साइज़ 20 क्रॉस 30 सेंटीमीटर सर्कुलर कॉलम्स भी बनते हैं जिनका 20 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर डाया होता है और फुटिंग जो है हम लोग आइसोलेटेड या फिर कंपाइंड उसका जो ओवरऑल डायमेंशन होता है वन क्रॉस वन क्रॉस वन मीटर के आसपास हम लोग पिट खोदते हैं गड्ढा खोदते हैं उसके बाद बनाते हैं सिल जो कि हमारा विंडो के नीचे प्रोवाइड किया जाता है उसकी हाइट सत्तर अस्सी या फिर नब्बे सेंटीमीटर के आसपास की होती है डोर जो हैं उनकी चौड़ाई हमारी पॉइंट एट जीरो मिनिमम विट्थ है और पॉइंट नाइन ज़ीरो या फिर एक मीटर या फिर वन पॉइंट टू ज़ीरो मीटर अलग अलग तरह के डोर्स इस्तेमाल होते हैं वॉशरूम्स में अलग इस्तेमाल होते हैं ढाई फिट के आसपास और मेन डोर्स जो हैं थ्री फिट चौड़ाई के आसपास होते हैं हाइट जो है डोर की वो आपकी वन पॉइंट एट जीरो मिनिमम मीटर्स में होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम हम 2.10 पॉइंट वन ले सकते हैं विंडो है विंडो की चौड़ाई हम लोग पॉइंट मीटर पॉइंट या फिर पॉइंट नाइन मीटर या फिर 1.20 मीटर के आसपास ले सकते हैं हाइट जो है विंडो की हमारी 1.20 मीटर होनी चाहिए वेंटिलेटर है सिमिलरली विथ में हम लोग इसको 0.60 मिनिमम और पॉइंट मीटर मैक्सिमम ले सकते हैं हाइट जो है वेंटिलेटर की 0.20 मिनिमम और या फिर पॉइंट थ्री जीरो मैक्मम मीटर्स में हम लोग ले सकते हैं रूफ स्लैब की थिकनेस जो है दस बारह पंद्रह या फिर अट्ठारह सेंटीमीटर के आसपास ले सकते हैं बीम्स जनरली हम लोग की साइज की जो प्रोवाइड किए जाती हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उसकी डेप्थ तीस पैंतालीस या फिर साठ सेंटीमीटर होती है और विथ्थ जो है वॉल थिकनेस के बराबर होती है तीस पैंतालीस या फिर साठ सेंटीमीटर लिंटल है लिंटल की लेंथ जो है विथ्थ ऑफ डोर अपॉन विंडो ओपनिंग प्लस मिनिमम 10 सेंटीमीटर बेयरिंग ऑन बोथ साइड मतलब चौड़ाई जो है दरवाजे की और अपॉन विंडो ओपनिंग जो भी या फिर विंडो है या फिर डोर है उसमें हम लोग 10 सेंटीमीटर बेरिंग दोनों तरफ की लेकर के लेंथ निकालते हैं लिंटल की और विथ्थ जो है लिंटल की चौड़ाई जो है वो थिकनेस ऑफ द वॉल जो भी थिकनेस वॉल की होगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी स्टेयर्स में ट्रेड और राइजर ट्रेड जिसमें हम लोग पैर रखते हैं और राइजर जिससे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ट्रेड का जनरली डायमेंशन जो आई एस फोर के अकॉर्डिंग दी गई है वो है पच्चीस सेंटीमीटर तीस सेंटीमीटर और राइजर जो है एक टू ट्वेंटी सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है विथ्थ ऑफ स्टेयर जो है हमारी जो चौड़ाई है स्टेयर की वो कम से कम एक मीटर के आसपास होनी चाहिए फ्लोर जो है ग्राउंड फ्लोर है तो प्लिनथ हाइट में होनी चाहिए अपर फ्लोर है तो उसकी स्लैब थिकनेस के हाइट में होनी चाहिए वाटर शेड है छज्जा है तो टेपर्ड इन शेप होगा सात टू टेन सेंटीमीटर एट लिंटल साइड क्या हो जाएगा हाइट ऑफ लिंटल दस से पंद्रह सेंटीमीटर फिर पैरापेट है जो कि हमारी जनरली हाइट उसकी वन मीटर या फिर वन पॉइंट टू जीरो या वन पॉइंट थ्री भी हम लोग ले सकते हैं इसकी थिकनेस जो है दस बीस या फिर तीस सेंटीमीटर के आसपास होती है सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन फ्रॉम माई साइड थैंक यू वेरी मच